हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी गर्ल आसिया। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो हम लोग आ गए हैं दशहरे के मेले में, जो कि रेड फोर्ट में यहाँ लगा हुआ है। सो अभी अंदर चलते हैं और मेले को एंजॉय करते हैं। तो चलो, और हम लोगों ने गाड़ी वगैरह पार्क कर दी है, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है लाल किले की। तो यहीं से हम लोग अंदर अब मेले में एंट्री कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेले में 7 बजे के बाद आते हो तो आपको बाइक की जो पार्किंग चार्जेस है वो आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। यस। सो यहाँ ये गेट था, यहीं से पार्किंग से आप अंदर अंदर जाओगे तो ये गेट आपको मिल जाएगा थोड़ा आगे चल के। तो यहाँ से हम लोगों ने इंट्री कर ली है। मेरा पूरा आगे तक लगा हुआ, पूरा रेड फोर्ट तक। तो ये रेड फोर्ट की जो स्टार्टिंग है, वहीं से स्टार्ट है मेला। तो यहाँ से स्टार्ट है मेला, झूले जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और काफ़ी सारे जो झूले हैं ना, यहाँ पर ऐड हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल मैंने कुछ झूले नहीं देखे थे यहाँ पे, अभी जो आई हूँ तो देख रही हूँ बहुत सारे झूले जो इन्होंने न्यू ऐड करे हैं यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आगे का भी आपको व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे पीछे 360 हिंडोला और वो कश्ती वाला, आप लोग उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं उसे हिंडोला ही कहती हूँ, जो गोल गोल बड़ा वाला घूमता है। तो सबसे पहले आयरन को हम लोगों ने झूले में बिठा दिया था गाइज, क्योंकि आयरन को तो आपको पता है बच्चे कभी मानते नहीं हैं। सबसे पहले उनको झूला दिखते ही झूले में बैठना होता है। तो यहाँ आयरन फर्स्ट राइड कर रही है अपनी मेले में। तो जैसे कि आपको पता है दशहरे का मेला है, तो काफ़ी फुल चल रहा था। ज़रूरी नहीं है सारे हिंदू ही लोग आए हैं, यहाँ पर मुस्लिम लोग भी आए हुए थे काफ़ी सारे, और भी लोग आए होंगे, बट मैं काफ़ी सारे मुस्लिम लोगों को देख रही थी दशहरे के मेले में। तो यहाँ चल रही थी रामलीला, तो हम लोगों ने बाहर से देखा। यहाँ पर आई थिंक पास से एंट्री हो रही थी, तो जो हम लोगों के पास नहीं था तो हम लोगों ने ये बाहर से देखी है। तो यहाँ बड़ों के झूलों के साथ साथ बच्चों के भी कई सारे झूले थे। अगर आप छोटे बच्चों को लेके जाते हैं तो वो भी काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। सो आगे बढ़ी तो मैंने यहाँ ये स्टॉल देखा जहाँ मोमोज बनाए जा रहे थे आपकी आँखों के सामने। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको मतलब मैंने हमेशा रेडीमेड मोमोज खाए हैं, कभी भी आप जाते हो किसी भी शॉप पे तो आपको रेडीमेड मोमोज स्टीम करके वो लोग दे देते हैं, बट यहाँ मैंने देखा कि वो आपके सामने मोमोज बना रहे थे। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ था एक और रामलीला। यस, यहाँ दो रामलीला चल रही थी, एक पीछे एक आगे। तो ये आगे वाली रामलीला है जो यहाँ चल रही थी। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ी और मैंने देखा सामने रावण का पुतला जो कि कल जलाया जाएगा। तो यहाँ मैंने रावण और उसके साथ दो और पुतले देखे, तो ये सब कल जलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इसकी तैयारी चल रही थी, बन रहे थे ये। सो फिर आगे हम लोग बढ़े, तो यहाँ पर शॉपिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि यहाँ मैंने ज्वेलरी का स्टॉल देखा और ये वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी। ज्वेलरी यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पे थी, बस थोड़ी सी मार्केट से रेट हो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले आगे बढ़े और मैंने ले लिया झूले का टिकट, जिसका चार्जेस था 150 रुपीज़ पर पर्सन। और हम लोग जा रहे हैं झूले में गाइस, और आयरा इस झूले के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आयरा को ही इस झूले में जाना था। तो चलो दिखाते हैं हम कौन से झूले में जा रहा है। तो झूलों में बहुत ज़्यादा क्राउड चल रहा था और यहाँ पे भी एक लोगों का वार आने में बहुत टाइम लग रहा था। और इस हर झूले में इतनी लंबी लंबी लाइन थी जितनी सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी क्या लाइन होगी जो यहाँ थी। तो यहाँ हम लोग 15-20 मिनट से खड़े हुए थे और अभी भी हम लोगों का नंबर नहीं आया था। करीब तब बीतने के बाद हम लोगों का फाइनली नंबर आ चुका है। हम लोग जाने वाले हैं हिंडोले में गाइस। तो आप लोग क्या कहते हो इसे बताना मुझे ज़रूर। मैं तो इसे हिंडोला कहती हूँ बचपन से, तो मैं आज तक उसे वही कहती हूँ। सो अब बस थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। और आयरा बहुत एक्साइटेड है इसमें जाने के लिए, क्योंकि आयरा जब 1 साल की थी ना पहले, एक साल की थी तो तब ये बैठी थी इस झूले में। आपने वो पहले दशहरे वाला आई थिंक वीडियो देखा हो या ना हो, लेकिन जब पहले बैठी थी तो तब भी नहीं डरी थी। अब देखते हैं अब डरती है या नहीं। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं झूले में और अब ये झूला चलने वाला है। सो अब देखते हैं आयरा का। तो जैसे जैसे हिंडोला ऊपर जा रहा था ना गाइस,
वैसे वैसे जो व्यू आ रहा था ना गाइस, वो तो आपको पता है, वो तो बहुत ही औसम होता है गाइस। कभी भी आप, मैं कहती हूँ अगर आप पूरे मेले में अगर जाते हो ना, आपको आपको किसी एक झूले में बैठना है तो आप यही चूज़ करना, ये हिंडोला, जिसे मैं हिंडोला बोल रही हूँ, उसी झूले को चूज़ करना। आपको इतना अच्छा व्यू मिलने वाला है ना पूरे मेले का कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस झूले को मैं कभी नहीं छोड़ती, जहाँ मुझे दिखता है ना, चाहे मैं किसी मेले में जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो ये झूला मैं ज़रूर झूलती हूँ। ये मेरा फेवरेट झूला है। ये झूला तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, आप देख ही सकते हो, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और मैं आपसे बस एक, आपने आयरा को तो देख ही लिया, आयरा का फेस एक्सप्रेशन कैसा है उसका फेस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आयरा के फेस से क्या लगा, आयरा इस झूले में डरी है या नहीं डरी। अगर किसी को हाइट से डर लगता है तो गाइस इसमें से झांकना मत, वरना आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लगने वाला है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे नीचे देखने पर, वैसे मैं कभी हाइट से डरती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा था, तो जैसा मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। तो झूले से हम लोग उतर गए थे, तो सामने था ये बच्चों वाला झूला, तो आयरा ने बैठने की ज़िद करी, तो हम लोगों ने फिर उसे दोबारा बिठा दिया झूले में। तो यहाँ बच्चों के लिए भी राइड है गाइस, अच्छा है, आप बच्चे लेकर आइए, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। तो झूला झूल कर हम लोग आए, तो हल्की फुल्की भूख लगी थी। तो वैसे मैं मेले का खाना जल्दी पसंद नहीं करती क्योंकि यहाँ टेस्ट नहीं होता, बट ये जो मोमोज बनते हैं तो उसे मेरा खाने का, तो वहाँ मोमोज के जो प्राइस थे वो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि 5 पीस मोमोज के 100 रुपीज़ थे। तो ठीक है, चलो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करना चाहिए कैसे होते हैं, क्योंकि देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि वो आपके सामने ही आपको बना रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक टाइप का लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ के मोमोज गाइस बहुत टेस्टी थे, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, जैसे आप बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हो ना, सेम वैसा ही टेस्ट था यहाँ के मोमोज का। तो आगे बढ़े, हम लोगों ने सोचा अब इस वाले झूले में बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी को बहुत मन था इस झूले में जाने का। तो हमने 2 टिकट ले लिए थे झूले के, तो हमने सोचा था एक के बाद एक जाएंगे, क्योंकि आयरा को भी पकड़ना था, तो सबसे पहले मैंने जाने की सोची, तब तक आयरा को अभी पकड़ लेंगे। और यहाँ मैं झूले में बैठ चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये रोलर कोस्टर, ये नया झूला लगा है, पिछले साल ये झूला था नहीं यहाँ पे। तो इस झूले में बैठने का जो मेरा जो निर्णय था ना,
बिल्कुल गलत था गाइस, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो इस झूले में बैठने के बाद मैं बिल्कुल टूट फूट गई थी, मेरे बहुत जगह इंजरी हुई है। इंजरी ऐसी हुई है जो अंदरूनी इंजरी होती है ना गाइस, पूरा मेरी फिंगर पूरी दब गई थी, इसमें मेरा हैंड दब गया था। मैं अभी आपको चोटें दिखाऊंगी मुझे कहाँ कहाँ लगी है। मेरे पैर पे चोट लगी, मेरे हैंड पे लगी, मेरी फिंगर पे लगी और आजू बाजू वाले लोगों को भी लगी थी। मैं अभी पास वाले लड़के को भी मुझे यही बोल रहा था कि मेरे चोट लग गई, मेरे भी, मैंने कहा मुझे भी इंजरी हुई है, वो अपना इंजरी दिखा रहा था, मैं अपनी इंजरी दिखा रही थी। और बाहर आने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, मेरे क्लेचर पता नहीं कहाँ गिर गया था, निकल गए, बाल पूरे खुल गए थे। तो थोड़ा सी इंजरी मुझे दिख रही थी, जैसे कि मेरी फिंगर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी, ये भी मेरी उसमें झूले में भिज गई थी। और एक मेरे शोल्डर पे लगी है, वो आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी ये भी झूले में आ गई थी, भिज गई थी किसी जगह। तो काफ़ी कुछ इंजरी मुझे बाद में घर जाके भी रियलाइज़ हुई, घर जाके मुझे पता चला मुझे कहाँ कहाँ इंजरी हुई है। तो अब बारी थी अभी के जाने की, अभी को मैंने बता दिया था कि थोड़ा संभल के बैठना, मुझे काफ़ी जगह इंजरी हुई है, मैं बिल्कुल टूट फूट गई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी हाथ में, पैर में, सर में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मेरे बाद अभी जाने वाले थे तो अभी बैठ चुके हैं झूले में, अभी को मैंने बोल दिया था कि मेरी काफ़ी जगह चोट आई है तो तुम थोड़ा संभल के बैठना, ध्यान रखना। तो आई डोंट नो वाई अभी पता नहीं क्यों इतना हंसते हैं, जब भी ये किसी भी झूले में बैठते हैं ना कोई ख़तरनाक से, तो ये थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, तो पता नहीं ये क्यों हंसते हैं, वो तो यही बताएंगे। तो बस मैं इनको देख रही थी, जब जैसे इनका झूला चल रहा था ना, ये सब लोग चीख रहे थे और ये हंसे जा रहे थे। तो आपने अभी को तो देख लिया कैसे इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो लगता है वो ठीक हैं। तो इस झूले की कॉस्ट मैं आपको बताना भूल गई, तो इस झूले की कॉस्ट भी थी 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो बस हमने ये लास्ट झूला झूला और हम लोग निकल गए घर के लिए। तो मेरे हाथ में आई बाइक की जो पार्किंग की स्लिप थी ना, वो हाथ में आई, तो वहाँ देखा तो मैंने 20 रुपीज़ लिखे हुए थे गाइज, ये पूरी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं चार्जेस नाइट के, आई डोंट नो वाई, जबकि स्लिप पे 20 रुपीज़ लिखे हुए थे। अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।